बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बधाई आप सभी को स्वराज अभियान को, स्वराज इंडिया को, के इस बहुत ज़रूरी जंक्चर पे आपने ये एक बड़ा एक रैली का एक हल्ला बोल करा है आपने काले धन पे और भ्रष्टाचार पे। इसकी इससे पहले शायद इतनी ज़रूरत कभी नहीं रही और आप सबको बहुत बहुत बधाई। ये जो नोटबंदी की बात हम सुबह से सुन रहे हैं, मैं केवल 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगी। नोटबंदी की बात जो हम सुबह से सुन रहे हैं और रोज भुगत रहे हैं पिछले 40 दिन से, वो हमारा मानना है कि सबसे बड़ा ढोंग है और प्रशांत जी ने उसको बहुत खूबसूरती से बताया भी है। पर ये ढोंग कैसे है, ये एक तरीका तो यह है कि काला धन कहां पर है, किसके पास है और क्या उस पर कोई चोट हो रही है कि नहीं हो रही है। काला धन जो है वो पूंजीपतियों के पास है। मोदी जी चुनाव से पहले हम सभी को कहते थे कि देश का बच्चा बच्चा जानता है कि काला धन विदेश में बैंकों में पड़ा है। आज पनामा पेपर्स में भी निकल के आया है, बहुत लिस्टें निकल के आई हैं, विसल ब्लोअर्स ने निकाली हैं कि किस किस के नाम के बैंक अकाउंट हैं विदेशों में जिन्होंने काला धन वहां जमा कर रखा है। सरकार बताती क्यों नहीं कि किसके नाम है और उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं कर रही है सरकार, ये बड़ा सवाल है आज मोदी जी के लिए और आज की सरकार के लिए। क्योंकि अगर वो काले धन को वापस लाने के लिए, निकालने के लिए, उसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उन्हें शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां पे वो शुरू से कहते आए हैं कि काला धन पड़ा है। आम नागरिक इस देश का आज लाइनों में लग रहा है, 100 लोगों की मौत हो गई है इन रिलेटेड इश्यूज से, लेकिन काला धन कहां निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम सबको मालूम है काला धन कहां है, लेकिन सूचना नहीं दी जा रही और जांच नहीं की जा रही उस काले धन पे जो विदेशों में पड़ा है लोगों का, पूंजीपतियों का। बैंकों में सुबह से चर्चा हो रही है, बैंकों ने बड़े बड़े जो लोन्स हैं उनको राइट ऑफ कर दिया है, डिफॉल्टर्स हैं, लेकिन सरकार नीतियां बना रही है, आरबीआई की पॉलिसीज आ रही हैं जिसमें वो कहते हैं हम सूचना नहीं देंगे, डिफॉल्टर के नाम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपको कि किसने कितना पैसा डुबाया है। तो यदि सरकार वास्तव में काले धन पे हल्ला बोलना चाहती तो वो इस तरीके के काम नहीं करती। और काले धन का गढ़ कहाँ है, काले धन का गढ़ है आज की राजनीतिक पार्टियां। और जैसा कि हम सुन चुके हैं, राजनीतिक पार्टियों को 20,000 से कम रुपए का जब चंदा आता है, बताने की जरूरत नहीं है कहां से आया वो चंदा, और वो बड़े बड़े अमाउंट्स लेती हैं और उनको 19,999 रुपए बताकर जमा करती हैं और बताती नहीं किसने दिया उनको वो धन। सूचना के अधिकार में यदि ये पार्टियां आती तो आज लोग, हम सभी लोग उनसे पूछ पाते कि पैसा कहां से आया, अदानी ने दिया कि अंबानी ने दिया कि बिरला ने दिया कि टाटा ने दिया। लेकिन आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने आप को सूचना के अधिकार कानून के तहत नहीं किया है। यहां मैं स्वराज इंडिया को बधाई देती हूं कि आपने ये डिसाइड किया है कि आप सूचना के अधिकार कानून के तहत आएंगे, ये बहुत ही बड़ी बात है। और अगर मोदी जी चाहते, अगर बीजेपी चाहती कि काले धन पे वार हो, तो क्यों नहीं मोदी जी कहते, जब हम सबको कहते हैं कि कैशलेस हो जाइए, तो क्यों मोदी जी नहीं कहते कि भारतीय जनता पार्टी कैशलेस होगी, क्यों मोदी जी नहीं कहते कि अब से भारतीय जनता पार्टी सूचना के अधिकार कानून के तहत आएगी। अगर स्वराज इंडिया कह सकता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कह सकती है, उन्हें क्या है छुपाने के लिए। और यदि ये सोचते हैं कि हम सब मूर्ख बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें मैं एक और बात संक्षिप्त में जोड़ना चाहूंगी कि आज की जो राजनीति है वो एक तानाशाही राजनीति बनती जा रही है।
लोगों के ऊपर पूरे रेगुलेशन हैं। आप 500 का नोट नहीं इस्तेमाल कर सकते, 1000 का नोट नहीं इस्तेमाल कर सकते, इससे ज्यादा पैसा अपना ही बैंक से नहीं निकाल सकते। लेकिन जो सरकार के ऊपर जवाबदेही के ढांचे हैं, जो सरकार के भ्रष्टाचार के ऊपर जवाबदेही के ढांचे थे, उन सब को एक एक करके सरकार तोड़ मरोड़ रही है, कानूनों को तोड़ मरोड़ रही है। प्रशांत जी ने अभी मेंशन करा लोकपाल कानून के बारे में, और यहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक जंतर मंतर पर उसके लिए एक अभियान भी चला था। आज से 3 साल पहले 18 दिसंबर 2013 को ये कानून पास हुआ था, तो आज हम लोग जब यहाँ पे सब एकत्रित हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे 3 साल हो गए जब इस कानून को संसद ने पारित किया। आज तक इस कानून के अंदर एक भी लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं करी इस सरकार ने, ये एक बड़ा सवाल है। और ना केवल इसकी नियुक्ति करी उन्होंने, उन्होंने इस कानून को ही तोड़ दिया। संशोधन लाए पर सही संशोधन नहीं लाए जो चाहिए था नियुक्ति के लिए। वो ये संशोधन लाए कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, उनको अपनी पत्नी अपने बच्चों का जो एसेट्स हैं, जो संपत्ति है, उसका ब्यौरा नहीं देना होगा। एक ओर आप बात करते हैं कि आप काले धन और भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, और काला धन और भ्रष्टाचार से जो संपत्ति जुड़ती है, जो बेनामी संपत्ति जोड़ी जाती है, उसका ब्यौरा आप देना नहीं चाहते। और इसको वो इतनी सफलता से और इतने क्वाइटली करते जा रहे हैं इन चीजों को कि लोकपाल तो नियुक्त नहीं हुआ, चला नहीं, और उसको हम जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रशांत जी ने हमें बता दिया है कि अगर लोकपाल आएगा तो शायद आज सबसे पहले जो हमारे मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन पे भी सवाल उठ सकता है। लेकिन उस कानून को खत्म किया जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि अगर आपको काले धन के बारे में पता चले तो आप आके हमसे शिकायत कीजिए। शिकायतकर्ता की सुरक्षा का क्या प्रावधान किया है मोदी जी ने? जो एक कानून पास भी हुआ, उस कानून को भी पूरी तरह से खंडित करने की कोशिश हो रही है। अभी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत इम्यूनिटी मिलनी थी जो भी विसल ब्लोअर थे, और उस इम्यूनिटी में 14 साल तक की जो सजा थी वो नहीं मिलती। लेकिन जो कानून है उसको अब बदला जा रहा है, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो इम्यूनिटी मिलनी थी शिकायतकर्ता को, वो हटाई जा रही है। तो शिकायतकर्ता का कोई सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। आनंद राय जी और भी बहुत सारे विसल ब्लोअर्स हमारे समक्ष थे अभी, और इन सभी ये सभी अपनी जान को जोखिम में डाल के सरकार को भ्रष्टाचार और काले धन के बारे में बताते हैं, पर इनकी सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं कर रही सरकार। और जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने का एक्ट, उसको बदल रही है। और क्या कर रही है उसमें? ये कहती है सरकार कि जो भी ब्राइब देता है उसके ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो सकता है। मतलब हम पहले अस्पताल जाएं, वहां पर हमें हमारे बच्चे के इलाज के लिए पहले हमसे घूस मांगी जाए, हम वो दें, और फिर उसके बाद हम ही के ऊपर क्रिमिनल एक्शन हो। तो ये तो दोनों ही तरह से लोगों की ही मार हो रही है। और साथ ही में उसमें ये भी कहा गया है कि जब तक सरकार की अनुमति नहीं होगी तब तक किसी भी भ्रष्ट, जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, उस अधिकारी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। तो मतलब अब तो सरकार ही तय करेगी, मोदी जी ही तय करेंगे, सरकारें ही सब जगह तय करेंगी कि किसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी हो यदि कंप्लेंट है तो। ये सारी चीज़ों को यदि हम देखें तो ये स्पष्ट है कि इस सरकार की कोई मंशा नहीं है भ्रष्टाचार हटाने की, इस सरकार की कोई मंशा नहीं है काले धन पे हल्ला बोलने की। और इसीलिए आपको बहुत बहुत बधाई फिर से, और एक नारे से समाप्त करेंगे, क्योंकि यदि हम लड़ते हैं तो जीतते हैं। लड़ेंगे, लड़े हैं, जिंदाबाद।